जा सकता, तो सीएम मांडे वालों यह ट्वीट किया गया। भाजपा की सियासी टीम ईडी केजरीवाल के घर पहुंची है, तो यह ट्वीट किया गया है। केजरीवाल की सोच को काबू नहीं कर सकती, सीएम मांडे वालों यह ट्वीट किया गया, क्योंकि सिर्फ आप ही भाजपा को रोक सकती है, तो सोच को कदे दबाया नहीं जा सकता। में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या, और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है, आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। सीएम भगवंत मान दे वालों यह ट्वीट किया गया है। भाजपा की सियासी टीम ईडी केजरीवाल के घर पहुंची है, केजरीवाल की सोच को काबू नहीं कर सकती। करने पहुंच गई है, क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है, ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। ईडी कह रही है कि फिलहाल ये भी सर्च ऑपरेशन है और पूछताछ की जा रही है, तो सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें चार चार बसों में पुलिस भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें दो दो वैन रैपिड एक्शन फोर्स भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्कुल साफ है, देखिए ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है, सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, एक रुपया नहीं मिला है ईडी को दो साल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े हो संपर्क हो पा रहे हैं अरविंद से? अभी कोई संपर्क नहीं। गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या आप लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी पुलिस आपको जाने दे रही है या नहीं? नहीं, आप तो अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं। कोर्ट में क्योंकि पूरा मामला है तो एक रिएक्शन इस पर जरूर आप दे दीजिए कि इसमें नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, क्योंकि आज ही जैसे कि कोर्ट में भी क्या था मामला और चीजें हुई थी आज भी। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक है कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अभी क्या संपर्क हुआ है ये और बता दीजिए। नहीं। केजरीवाल ते सीएम भगवंत मान का ट्वीट, भाजपा की सियासी टीम ईडी केजरीवाल के घर पहुंची है,
ईडीजी टीम केशरीवाल के घर पहुंची तो तलाशी मुहिम जारी। मंत्री आतिशी भी पहुंची है। इस समय ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के घर पहुंची हुई है, तलाशी जारी है। तो मंत्री आतिशी वालों भी कहा गया कि एक भी रुपया जड़ा कि नहीं मिला, ईडी नु बरामद नहीं होया। फिर भी सर यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी की स्थिति जो है वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, हमारे को कुछ नहीं पता, हमें ये पता चला है जो वो है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपड़ा दपड़ी में है। जब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है मामला, 22 अप्रैल को कोर्ट ने डेट दिया, उन्होंने कहा कि भाई 22 तारीख को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सारी डिटेल लेके आइए, तो अचानक से अपड़ा दपड़ी क्यों, क्यों इतनी जल्दबाजी है, कोर्ट का क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा। इसका मतलब यह है कि इनका एक ही मकसद है, केजरीवाल को अरेस्ट करो, केजरीवाल को किसी तरह से जेल में डालो, और इनको लगता है इससे केजरीवाल को खत्म कर देंगे, गलत फहमी में है। पता क्या चला है कितने जो कर्मी हैं वो आए हैं, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। और सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर आम आदमी पार्टी का इसको लेकर, जैसा कि आज भी क्योंकि कोर्ट से चीजें हुई थी तो उसको लेकर। देखिए, इनको ये लगता है कि केजरीवाल को ये अरेस्ट करके खत्म कर देंगे, गलत फहमी में है, हर गली हर मोहल्ले से केजरीवाल निकलेगा। अभी कुछ ये भी जानकारी दी गई है, आपका कोई संपर्क हुआ है कि क्यों हमारे पास की सर्चिंग के लिए क्या चीजें हैं? हफड़ा दफड़ी है, हो सकता है अरेस्ट भी करे। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पुलिस का वीडियो देखो। तो ईडी की टीम पहुंची हुई है, इस वेले दीआं लाइव तस्वीरां सीएम केजरीवाल दे घर दे बाहर, पुलिस अधिकारी भी मौजूद ने। ईडी की टीम जिहड़ी कि सीएम केजरीवाल के घर पहुंची हुई है, तलाशी की जा रही है सीएम केजरीवाल के घर दे बाहर दीआं ये तस्वीरां ने।